हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल, आई एम फ्रॉम कैरेकिक सर्विसेज। तो आज की इस वीडियो में यार BDS काउंसलिंग की एक छोटी सी अपडेट आई हुई है, साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे, सर इस बार की जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड हुई थी उसमें आपने या मॉपअप राउंड की जो या जो भी MBBS की लास्ट सीट अलॉटिंग थी उस पर तो एक वीडियो आ गई है, उस पर वीडियो मिल गई है, लेकिन BDS वाली वीडियो कब आएगी? तो इस वीडियो में दो चीज़ें हैं। पहला तो अभी जो करंट काउंसलिंग चल रही है एकदम एंड ईयर काउंसलिंग का, बहुत सारी सीट्स वैकेंट रह गई हैं BDS में, वो आपकी स्टेट के प्राइवेट कॉलेज हों या कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हों। सिंपली होता क्या है कि जब MBBS में अलॉटमेंट हो जाती है गवर्नमेंट में तो अपने आप BDS गवर्नमेंट की सीट्स वैकेंट हो जाती हैं, ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर होगी। अब जैसे ही BDS की सीट वैकेंट होंगी, इसी वजह से जो अभी एक राउंड हुआ था फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड, उसमें BDS का पार्टिसिपेशन नहीं था, इसीलिए होल्ड ऑन कर दिया गया था। अगर BDS का पैरेलली हो जाता तो फिर वो और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते और वहाँ पर सीट कैंसिलेशन हो, मतलब मेजोरिटी चांसेस रहते हैं कि फिर कैंसिलेशन ज़्यादा होती है। और ये चीज़ मैंने पहले ही बोल रखी थी, जब राउंड वन होगा, राउंड टू होगा, राउंड थ्री होगा, इट्स बीन की मॉपअप राउंड होगा, मॉपअप राउंड के बाद में एक इनका स्ट्रे वैकेंसी राउंड आया, यहाँ तक राउंड फोर्थ तक होते थे, इस बार एक राउंड फिफ्थ भी हो चुका है जो फाइनल स्ट्रे वैकेंसी राउंड के नाम से था, लेकिन उसमें BDS के इंस्टीट्यूट नहीं पार्टिसिपेट किए थे। तो BDS के इंस्टीट्यूट अब एक राउंड टू आया है, मॉपअप राउंड आया हुआ है, मॉपअप राउंड इट्स की एक तरह का एक्सटेंडेड मॉपअप राउंड भी बोल सकते हो, या आप मॉपअप राउंड उसको आप टू का भी नेम दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन एक्टिव हो चुका है ना, इट्स बीन के बस दो दिन का समय मिला है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, रजिस्ट्रेशन थोड़ा सा आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। आपको अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो सिंपली बस वही आपको ऑल इंडिया कोटे की जो MCC वाली वेबसाइट, आपको वहीं पर जाना पड़ेगा, MCC.NIC.IN पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन करोगे। और इसके बाद अगर इनकेस वैकेंट सीट बचती है, अगर फिर से कोई राउंड हैपन होता है तो उसमें आप रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ऑलरेडी जो यहाँ पर इनरोलिंग स्टूडेंट होंगे वही कमिंग राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अगर आप BDS में अभी इनरोल करना चाह रहे हो, आप थोड़ा सा आगे जाना चाह रहे हो, तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। तो सिंपली क्या है, 2nd-3rd May के बीच में आपका टाइमिंग दे रखा है, प्रॉपर इतने तक रजिस्ट्रेशन होगा, पेमेंट फैसिलिटी इन्होंने दे रखी है ना, उसके बाद में चॉइस फिलिंग की डेट दी हुई है, चॉइस फिलिंग और कॉलेज लॉकिंग जो होता है ना, तो कॉलेज को सिलेक्ट किया देना आपने, फिर लॉक कर दिया, तो उसकी टाइमिंग इवनिंग में है 3 to 11:59 तक। उसके बाद में प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट, एक तरह का एक प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट आ जाती है, 4th May को आ जाएगी, 5th May तक फाइनल आप अपना लेटर वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, रिपोर्टिंग आपका 6 to 9 May के बीच में है। ये नोटिस अवेलेबल कहाँ पर है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सिंपली आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पे जाओगे, देन आपने UG सेलेक्ट किया होगा, फिर आप यहाँ पर देख रहे होगे BDS शेड्यूल 2nd मॉपअप राउंड UG, तो ये यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखना। और जो भी सर्वर टाइमिंग वगैरह दे रखी बहुत ज़्यादा वैरी नहीं करती है, एकदम एग्जैक्ट सेम सर्वर टाइमिंग पर क्लोज कर जाता है। तो ये था अपडेट वाला पार्ट, लेकिन एक सेकंड पार्ट और है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी बोलते हैं, सर BDS गवर्नमेंट कॉलेज कितने तक मिला हुआ है, कितने रैंक तक मिला हुआ है? तो हमेशा मैं 42,000 का एक आइडिया दिया करता था, तो आप देख सकते हो डेटा के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट ये जो डेटा है मैंने स्ट्रे वैकेंसी राउंड से लिया हुआ है, इट्स बीन की 4th round का डेटा है, तो एक बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड डेटा है, मैं बोलूँगा एक सेफ स्कोरिंग, यहाँ तक लास्ट तक आप नेक्स्ट ईयर अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो 2022 में आप ईयर होगे, आप फिर उस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे, तो अगर आप यहाँ पर BDS एक गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो भी आप राउंड 4th या राउंड 5th में ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो सिंपली अगर हम लास्ट सीट लॉटिंग की बात करें, जनरल कैंडिडेट की 41,356 सीट अलॉट हुई थी, राजा मुथैया डेंटल कॉलेज अन्नामलाई, ठीक है, उसके बाद में EWS कैटेगरी का 42,765 रैंक तक BDS का कॉलेज मिला, ये लास्ट सीट अलॉटिंग है, इससे पहले भी कुछ बच्चे थे तो मैंने एकदम लास्ट वाली सीट ली हुई है, इसके बाद अगर आपका कोई भी मार्क्स या रैंक है तो फिर आपको, आप मान के चलो आपको मिलेगा नहीं। यहाँ पे गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज थ्रिसुर, तो ये सारे के सारे जो कॉलेज ऑलमोस्ट जितने मैं देख रहा था ऑलमोस्ट सारे कॉलेज साउथ के थे जो कि डेंटल कॉलेज थे, वो आपको यहाँ पर एक लास्ट सीट अलॉटिंग में आ जा रहे थे। OBC ऑलमोस्ट यही जो राजा मुथैया वाला कॉलेज है, ऑलमोस्ट ये जितने भी कैटेगरी का है तो वही सेम कैटेगरी का, इट्स मीन कि वहाँ पर सीट्स वगैरह वैकेंट रही होंगी। तो OBC 42,543 पे, SC कैंडिडेट का 1,48,711,
एसटी के लिए 188,809 लास्ट सीट अलॉटिंग रही थी। तो इन जनरल मैंने यहाँ पर कैटेगरी वाइज मिनिमम कैटेगरी ले रखी, पीडब्ल्यूडी नहीं ली हुई है। तो वीडियो आज की यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। और ये बीडीएस की गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ्स थी। अगर हो सकता है मे बी अगर आपके स्टेट में कुछ सीट्स वगैरह वैकेंट है तो बहुत ही जल्द आपकी स्टेट वगैरह की भी प्रोसेस स्टार्ट होगी। काउंसलिंग बहुत डिले हो चुकी है, ऐसा पहली बार हो रहा है। मैं बोलूँगा कि यार मई में आपकी काउंसलिंग प्रोसेस एक्सटेंड होती जा रही है। मई में एक समय था कि एग्जाम हुआ करता था, ऑलमोस्ट सेशन इतना पीछे चला गया है, जबकि इस ईयर तो कोविड का भी कोई चक्कर नहीं था, लेकिन काउंसलिंग शेड्यूल जिस अकॉर्डिंग दिए गए वो एक देने का प्रोसेस या सिस्टम अलॉटिंग का वो गलत रहा, बिकॉज बीच में बहुत काउंसलिंग होल्ड हुई। ऑलमोस्ट 6 to 7 months काउंसलिंग प्रोसेस रन हुआ है, ठीक है। तो यार जल्दी से अगर आपको लग रहा है कि आपको लेना है इस ईयर कॉलेज ऐसी काउंसलिंग में, तो आप प्रीवियस बैच में ही इनरोल होंगे, आप ले लो, आप ईयर मत ड्रॉप करो। वीडियो आज के यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। और कुछ भी डाउट क्वेरीज हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके बात करके डिस्कस कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी वो सॉर्ट आउट कर दी जाएंगी। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।